से आज्ञा लेकर चली मैया मैना रोने लगी, बिटिया हम तेरे बिन नहीं जी पाएंगे, घर में तप कर ले भजन कर ले। राजा ने रानी को समझाया कि रानी भूल गई क्या, नारद जी बता करके गए थे बेटी 5 वर्ष की होगी तो जंगल में भजन करने जाएगी, इसे जाने देना। राजा ने रानी को समझाया, बेटी को वन गमन की आज्ञा दी। पार्वती ने जाकर घनघोर तप किया है भैया, तो सभी वृत्तासुर नाम के राक्षस से सभी भय से ब्राह्मण को या किसी मान को और कोई ना मिले तो कन्या को प्यारे उनके चरणों का चरणोदक लेकर उन्हें भोजन करा के दक्षिणा वस्त्र भेंट करके उसके बाद ही खुद कुछ पाना चाहिए। दूसरा दिन हुआ, अम्बरीश महाराज ने देखा कोई आए कोई आए, काफी समय हो गया कोई दिखाई नहीं दिया, तो देखा थोड़ी देर में कि महाराज दुर्वासा आए। दुर्वासा से कहा, प्रभु अहो धन्योक्षी दुर्वासा वृत्तम अंशु मड़ी आई, प्रभु अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे, क्योंकि हमारा एकादशी व्रत था, आज एकादशी व्रत का आज ओम संबोधन है। दुर्वासा ने कहा, बेटा अभी मंदिर जा रहा हूँ, क्योंकि व्रत मैं भी हूँ, अभी मंदिर जा रहा हूँ पूजा करके भगवान के चरणों का चरणोदक लेके, अभी मैं आता हूँ तब तुम मेरे चरणों का चरणोदक लेना। बोले ठीक है। दुर्वासा चले गए, लौटने में देर हो गई प्यारे, लौटने में देर हो गई। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया, कभी कभी ऐसा हो जाता है द्वादशी को 12 बजे के बाद त्रयोदशी लग जाती है कभी कभी। अम्बरीश ने इधर उधर पूछा, भैया अभी द्वादशी है त्रयोदशी तो नहीं लगी है? बोले अभी तो द्वादशी है लेकिन कुछ क्षण बाद त्रयोदशी। अम्बरीश जी सोचने लगी, अगर त्रयोदशी लग गई तो मेरा एकादशी व्रत बेकार चला जाएगा। उन्होंने घबरा कर क्या किया, अपने मंदिर में गए और भगवान के चरणों का पूजा करके चरणोदक लेकर के, और जैसे पान करने को हुए तैसे ही दुर्वासा आ गए। और दुर्वासा वैसे भी बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। दुर्वासा ने अम्बरीश के हाथों में चरणोदक पात्र देखा, एकदम क्रोध आया, मेरी बिना क्या के और तूने चरणोदक ले लिया भगवान का। जटा से वाल उखाड़ कर पृथ्वी में मारे, जिससे कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा कर दी और ये कह दिया कि अम्बरीश को मार दो।
अब राक्षसी कहा जाने, राक्षसी क्या जाने किसकी गलती है क्या है, वो तो दुर्वासा की आज्ञा पर है। राक्षसी मारने को भागी, तैसे ही अम्बरीश ने हाथ जोड़े और एक बात कही, देवी अगर मेरी गलती है तो मुझे दंडित किया जाए और अगर न गलती हो तो नारायण प्रभु मेरी रक्षा करना। भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, चक्र आया कृत्या को जलाकर भस्म किया, उसके बाद दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा अपनी जान बचाने को वहां से भागे, भोले बाबा के पास आए, रक्षा करो रक्षा करो। भोले बाबा बोले, भैया ध्यान करके देखा, भोले बाबा समझ गए ये नारायण के भक्त का अपराधी है। भोले बाबा ने कहा, नारायण के भक्त के अपराधी के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। और दौड़ करके ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने भी ध्यान करके देखा, वो भी समझ गए नारायण के भक्त का अपराधी है ये। उन्होंने भी मना कर दिया, मेरे पास कोई जगह नहीं। दौड़कर विष्णु के पास गए, बचाओ मुझे बचाओ, प्रभु सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा है। भगवान कहने लगे, क्षमा करना दुर्वासा, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं भक्त के बस में हूँ। अगर मेरा भक्त मेरा भोग लगा देता है तो मैं पा लेता हूँ, नहीं प्रतीक्षा करता हूँ कि मेरा भक्त मेरा भोग कब लगाएगा। मैं तो खुद भक्त के अधीन हूँ, मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ। दुर्वासा कहने लगे, कुछ तो बताओ प्रभु, फिर हम क्या करें। भगवान कहने लगे, करोगे क्या, दौड़कर जाओ और अम्बरीश से क्षमा मांगो। प्यारे दुर्वासा को अपनी जान बचाने के लिए 12 महीने इधर से उधर भटकना पड़ा। और इधर का वृतांत सुनिए, 12 महीने से लगातार अम्बरीश महाराज गेट पर भोजन का थाल लेकर खड़े हैं। उन्होंने प्रण कर लिया है कि जब तक मैं दुर्वासा को भोजन नहीं करा देता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण करने वाला नहीं हूँ। दुर्वासा दौड़ते हुए आए, अम्बरीश के पैरों पर गिर गए, बेटा मुझे क्षमा कर दे। अम्बरीश ने थाल एक तरफ रखा, एकदम हाथ लगा दिया, अरे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। अब अम्बरीश दुर्वासा से और दुर्वासा अम्बरीश से एक दूसरे से क्षमा मांग रहे हैं। अम्बरीश कह रहे हैं, आप हमें क्षमा कर दो, मेरी वजह से ही आपको 12 महीने भटकना पड़ा। दुर्वासा कहते हैं, बेटा तू मुझे क्षमा कर दे, मुझे नहीं मालूम था कि नारायण के भक्त की क्या महिमा है, आज मालूम हो गया, मुझे क्षमा कर दे। अभी भी मेरे पीछे सुदर्शन पड़ा है, बेटा रक्षा कर मेरी। अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आवाज लगाई, हे सुदर्शन महाराज, मैंने संत में और भगवंत में बिल्कुल भी भेदभाव न समझा हो तो आप मेरी आज्ञा से इसी पल इसी क्षण यहाँ से लौट जाएंगे। सुदर्शन वहां से लौट गया। अब बार बार महाराज दुर्वासा क्षमा मांगते, मुझे नहीं मालूम था बेटा नारायण के भक्त की इतनी बड़ी महिमा है, जिसे मैंने मारना चाहा उसी ने मेरे प्राणों की रक्षा की। भैया ऐसे ऐसे राजा हुए हैं सूर वंश में, बड़े बड़े प्रताप, इन्हीं अम्बरीश महाराज के आगे वंश में चलकर की यवनाशु नाम के राजा हुए। प्यारे यवनाशु महाराज के भी कोई संतान नहीं थी, पुत्र तो अभिमंत्रित जल उन्हें प्राप्त हुआ और ये कहा गया कि जल अपनी पत्नी को पिला देना तो उनके बच्चा पैदा हो जाएगा और ये जल पिलाना है ब्रह्म मूर्ति में। राजा सोचने लगा, अभी संतों के समागम में यही लेना जा रहा हूँ, ब्रह्म मूर्ति में जाऊंगा पत्नी को पिला दूंगा। आधी रात्रि बीती, राजा को बड़ी तेज प्यास लगी। राजा ने क्या किया, धोखा में पत्नी के प्रसव वाला जल खुद पी लिया। प्यारे खुद पी लिया, युवराज महाराज गर्भ धारण कर गए और गर्भ वाला बच्चा युवराज के पेट में एक दो महीना ना है, 10-20 महीना ना है, 50 महीना ना है, 100 बरस रहा है महाराज युवराज के पेट में वो बालक 100 बरस। प्यारे अंत में युवराज महाराज की इंद्र के द्वारा दाहिनी कोख की तरफ फाड़ा गया और बच्चे को निकाला गया। बच्चे को निकाला गया तो उसका नाम रखा है मानधाता। क्या रखा? मानधाता। ये मानधाता बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। प्यारे
इन्होंने बहुत बड़े प्रतापी राजा बने हैं। आगे जाकर इन्होंने सत्य के पीछे, धर्म के पीछे, क्योंकि एक बार पार्वती मैया ने भोले बाबा से कही हमें सत्य के धर्म के खम्भ दिखाओ। भोले बाबा ने बहुत मने करी, देवी देख नहीं पाओगी, बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। पार्वती जिद करके रही, नहीं बाबा मैं धर्म के खम्भ देखूंगी। क्योंकि कोई कहते हैं कि शेषनाग के फन पे पृथ्वी टिकी है, कोई कहता है गाय के सिंह पे टिकी है, कोई कहता है सत्य पे टिकी है, समझ में नहीं आ रही गाय पे टिकी है। भगवान ने कही धर्म के खम्भन पे टिकी है। बोले धर्म के खम्भ है कहां में दिखाओ। तो भोले बाबा ने बहुत मना करो, मैया ना मानी। तो भोले बाबा एक कोड़ी बने और मैया को 16 साल की कन्या बनाओ। मानदाता के बाग में आए, 100 साल पुराना सूखा बाग हरा भरा हो गया। प्यारे मानदाता महाराज आए तो भगवान को देखा। प्राण छुपे बैठे हैं अपनी आप भाग लिए बैठे हैं। ए बाबा किसको सुहाती है मदपान की मदरा ले जाओ। क्यों? क्योंकि